अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको बरवक मौसूल हो सके। इस वीडियो में आज आपको जो हमारा नया फार्म सेटअप हो रहा था, आपको मैंने काफ़ी अपडेट्स भी दी YouTube चैनल पर भी और Facebook पेज पर भी। तो इस वक्त जो है इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि क्या क्या इसमें हम लोगों ने स्टेप बाई स्टेप जो इसमें अपग्रेड हुआ, अपडेट हुआ फार्म, उसके हवाले इस वीडियो में आपको कम्प्लीट जो है उसके मैं दिखाऊंगा। और कितनी कॉस्ट पड़ी इस फार्म को बनाने में, क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, इस बारे में जो है मैं आपको इस वीडियो में एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। कितना स्पेस था, कितना छपड़े की लेंथ थी, कितना ओपन स्पेस छोड़ा, कितना खुलियों पे एक्सपेंस आया, तो इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो कम्प्लीट देखिएगा और इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। और जो भाई लोग नया फार्म सेटअप करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, तो वीडियो कम्प्लीट देखिएगा। फार्म की आप लोगों को जो अपडेट दे रहे थे उसमें माशाल्लाह से अब जो है खुरलियों का जो सेटिंग है वो तरतीब दे रहे हैं अभी, ये उसके लिए जो है नाप तोल करके इसको पीसीस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अली भाई जी, क्या बना रहे हो कुछ बताओ तो सही, लोगों को बना ही रहे हो या कुछ बना भी रहे हो? खुरलियों का फ्रेम आज बना रहे हैं। अच्छा, ये इंशाल्लाह कल परसों तक बन जाएगी। अच्छा, क्या साइज रखा है थोड़ा ही बताओ। खुरलियाँ जो है हमारी वो बनी हुई अंदर, ठीक है, 12 फीट जो गहरी है, ठीक है, 12 फीट सॉरी चौड़ी है, और 8 फीट जो है ना वो 8 इंच गहरी है, सही है, और 12 इंच जो है ना चौड़ाई है उसकी। तो क्या उसमें गोल है, चिकोर है? जी जी गोल है बिल्कुल, उसमें डी शेप है ना। अच्छा, तो आप थोड़ा इस तरह हो जाए, डिस्क कभी कभी टूट भी जाती है। अच्छा, खोली आ गई, खोली थोड़ा दिखाएं जरा, इसका साइज भी बताइए। ये रेलवे स्टेशन चौड़ाई है ना, नीचे रखो इसको, नीचे रख दो। ये इसकी चौड़ाई जो है 12 इंच है, ठीक है, और गहराई इसकी थोड़ी सी ज्यादा रखी है, यानी कि हाफ राउंड से ज्यादा है, 8 इंच है। इसमें ये कि घास वगैरह भी डाल सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या फिक्स है या रिमूवेबल है? इसका फ्रेम होगा पूरा। अच्छा, फ्रेम के पे बैठ जाएगी ये? इसका फ्रेम होगा, फ्रेम में फिक्स हो जाएगी बिल्कुल, सही है। कल परसों इंशाल्लाह फ्रेम रेडी हो जाएगा, तो फ्रेम भी हम दिखा देंगे, ठीक है। बाकी ये जब मर्जी आप निकालें, इसको धोएं, साफ करें, रख दें, जस्ट की चादर है ये। अच्छा, ये देखें भाई, जंग इससे नहीं लगता, जस्ती चादर का बनाया है ये। सही, ठीक है जी, कंटिन्यू कर पहले खाली। अच्छा, ये जो है हम लोगों ने ग्राइंड तो कर लिए थे अपने, जो उसकी कटिंग की थी वो कटिंग कर ली, लेकिन वेल्डिंग हमने कोशिश की थी कि खुद करें। अभी वेल्डिंग के लिए जो है जी अली भाई, क्या कंडीशन है फार्म की थोड़ा सा ये बताएं ज़रा। अभी ये जो खुरलियों वाला काम था उसके लिए उमेर भाई यहाँ काम करने के लिए उमेर भाई को बुलाया। ये उमेर भाई हैं, तो ये इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि खुरलियों वाला काम जो ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। सही है, पहले रात के 12 बज जाएंगे, आज उमेर भाई को नहीं छोड़ेंगे हम। उमेर भाई ऐसे ही है, आज निपट जाएगा काम, शाम में इंशाल्लाह जैसा भी होगा आपको अपडेट देंगे। सही है, ये फ्रेम बन रहे हैं अभी, क्या फ्रेम का क्या साइज रखा हुआ है राहल भाई? ये दो अलग अलग तरह के साइज हैं, क्योंकि एक साइड पर जिस साइड पर दरवाजा आएगा, हाँ, वहाँ पर तकरीबन जो है ना 9 फीट का साइज है, सही है, क्योंकि 2 फीट गेट है, दूसरी साइड पर जो है वो 11 फीट का साइज है। सही है, ये अभी फ्रेम देखते हैं, ये फ्रेम बना रहे हैं, ये लगाने की जरूरत है, ये फ्रेम है। अच्छा, जो खुरलियाँ जो थी वो रेडी हो गई हैं और माशाल्लाह से पेंट भी हो गया है। अरे भी इसको सीधा करना ज़रा, मुझे भी इसको सीधा करना ज़रा, ये देखेंगे इस तरह से जो है ये यहाँ पे लगेगी और ये जो पोर्शन है यहाँ पे खुरलियाँ फिक्स हो जाएंगी। और मुझे पता है वो खुरली लेकर आएगा, अभी खुरली भी दिखाते हैं आपको, जो खुरली है यहाँ पर फिक्स होगी।
ये वाली खुली है, ये यहाँ पे आराम से फिक्स हो जाएगी। इसको फिक्स है ना, इसी में आ जाएगी, इसी में आएगी। ये देखिए आराम से फिक्स हो गई है। जब आप चाहें खाना डालें, इनको आराम से निकाल के जो है ये हो जाएगी। माशाल्लाह तीन जानवर इसमें आएंगे इंशाल्लाह। आज जो है दीवार के अंदर वेल्ड भी हो जाएगा। अभी बाकी अंदर की आपको सूरत हाल बताते हैं। डैम ब्रीज की अच्छी खासी है, जानवर जो है माल भी यहाँ पे अच्छा आएगा, जानवर सुकून से खाएगा। बस छोड़ दे वो नीचे पत्थर है अटकेगा। तो ये सेटअप है अभी इंशाल्लाह। तीन इस तरह की जो है पार्टीशन हम लोगों ने किए हैं। अरे फाइट वहाँ से अभी आपको अंदर दिखाता हूँ जहाँ पे ये फिक्स होंगी। अच्छा ये जो पार्टीशन आप देख रहे हैं पिलर से इधर यहाँ पे खुली लगेगी, इसी तरह इस पिलर से इस दीवार तक, और इस दीवार से जो है यहाँ पे एक पार्टीशन हो जाएगा, ये बड़ा पार्टीशन हो जाएगा। तो ये अभी पूरे वीक की जो थी अपडेट थी, बस ये इंशाल्लाह आज ये इसके जो है खुलियाँ भी ये जो है दीवार के अंदर वेल्ड हो जाएंगी। फिर आपको दिखाते हैं कैसे वेल्ड होती हैं। अच्छा जैसे आपको दिखाया था कि बाहर पेंट हो गई हैं, तो माशाल्लाह से पेंट होने के बाद इसको फिक्स भी कर दिया, यहाँ पर वेल्ड कर दिया। ये देखें कि इस तरह जो है खुली यहाँ पे फिक्स होगी। ये आराम से 11-12 खाने यहाँ पे और तकरीबन 8-9 खाने उस तरफ हैं। ये दरवाज़ा है, ये पूरा एक पार्टीशन हो गया इस तरफ, और ये एक पार्टीशन हो गया इस तरफ। अगर ये दरवाज़ा है मेन, यहाँ से ये सेटिंग बनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बकरियाँ यहाँ पे आराम से खा सकती हैं। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मतलब 21 जानवरों की जगह ये सुकून से है। और स्पेस भी आप देखें, मैं यहाँ से एक कॉर्नर से आपको दिखाऊं स्पेस, ये इतना स्पेस है यहाँ पे, आराम से 20-25 जानवर सुकून से आ सकते हैं। और बीच में भी आप खुली रख सकते हैं, जो बाहर आप देख रहे हैं लकड़ी वाली खुली, ये इसको बीच में रख सकते हैं। ये प्रॉपर शेड हो गया यहाँ से, ये देखें, और एक पोर्शन उस तरफ हो गया। तो बस अब भालू मट्टी भी आपको मैंने दिखाई थी, भालू मट्टी भी आ गई है। जस्ट यहाँ पे एक बार सफाई होगी, यहाँ पे चूना बिछेगा, उसके बाद जो है इसके ऊपर भालू मट्टी डाल दी जाएगी। ये देखें माशाल्लाह से भालू मट्टी जो है ये भी आ गई है, और ये भी इंशाल्लाह फार्म पर लगने लगी है। उधर ही गिराएंगे। आपको ये जो वीडियो की जो स्टेप बाय स्टेप वीडियो हमने बनाई थी फार्म के लिए, ताकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। तो अब ये वीडियो का टोटल एक्सपेंस कितना आया इस बारे में, अली भाई भी हमारे साथ हैं, तो अली भाई सारी चीज़ें बताएगा। अली भाई कितना एक्सपेंस आया ओवरऑल, एक तो छपड़े का, खुलियों का, मिट्टी विट्टी सारी चीज़ें जो एक्सपेंस, लेबर वगैरह? तकरीबन जो एक्सपेंस आया ओवरऑल, इसमें ये दीवारें वगैरह ये चीज़ें शामिल नहीं है, सही है, सिर्फ उसके बाद का जो खर्चा तकरीबन 95,000 का खर्चा आ गया इसमें। अच्छा मतलब कंस्ट्रक्शन इसमें इंक्लूड नहीं है, खुरलियाँ शेड वगैरह इसके अंदर जो उसका खर्चा आया और मिट्टी वगैरह वो आपको बता रहे हैं। अलवे थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन कर दें कि 95 जो बता रहे हैं इसमें क्या क्या कॉस्ट पड़ी, जरा बताएगा रायल भाई? 30,500 रुपये का ये छपड़ा हमने बनाया था, ठीक है। इसकी लेंथ बताएं थोड़ी, छपड़े की लेंथ जो है ये 31 इंच है, 31 फुट
31 फुट लंबाई है जी, और चौड़ाई इसकी कितनी है? चौड़ाई इसकी 14 फीट है। अच्छा, ये पीछे जो देख रहे हैं ये छपड़ा, ये 30 तकरीबन आप इसकी लेंथ कर लें और 14 इंच जो है इसकी विड्थ है, ये तकरीबन 30,000 का पड़ा जी, 14 फीट बाय 31 फीट, तकरीबन 30,000 रुपये का। लेकिन अब आप बनवाने जाएंगे तो ये और महंगा होगा, क्योंकि महंगाई जो है बड़ी तेज़ी से जा रही है। शायद अभी 35,000 का बने। सही है, तो हमारे पास तकरीबन इसको 15-20 दिन तो हो गए बने हुए। हाँ, ये वीडियो में तकरीबन 10-15 दिन लगे इसको स्टेप बाय स्टेप बनाने में, तो आज की रेट थोड़े से चेंज हो सकते हैं। अच्छा अली भाई, बाकी एक्सपेंस बताएगा, बाकी एक्सपेंस कितना पड़ा, क्या पड़ा? अली भाई, इसके अलावा ये जो खुरलियाँ बनाई हैं ये वाली देखें, ये जो आपको डिटेल मैंने दिखाई थी, ये देखें ये जो खुरली है। अच्छा, जो अलग हो जाएगी खुरली, ये खुरलियाँ तकरीबन 20,000 रुपए की बनी है। अच्छा, ये कितनी खुरलियाँ 20,000 की बनी है और किस हिसाब से बनी है? ये हैं 2, 4, 5, 6, 7 खुरलियाँ, मुख्तलिफ साइजेस हैं, आप बनवाएंगे तो आपको अपने हिसाब से बनवानी पड़ेगी। क्या साइज रखा है वैसे आइडियल, ताकि लोगों को उसमें थोड़ी सी हेल्प हो सके? वैसे आइडियल साइज रेलवे 3-3.5 फीट का आ रहा है, उसको निकालने लगाने में परेशानी नहीं होगी, सफाई के लिए मुश्किल नहीं होगी। सही है, बाकी बड़ी अगर आप बनाएंगे तो फिर उसको निकालने लगाने की परेशानी रहेगी आपको। ठीक है, तकरीबन 20,000 का ये खर्चा खुली होगा। तकरीबन 20,000 रुपए की खुरलियाँ बनी, ये फिट के हिसाब से बनी है। ठीक है, 650 रुपये फिट, रनिंग फिट के हिसाब से। ठीक है, और ये जो इसका स्टैंड है जिसके, और ये जो फ्रेम वगैरह बने हुए हैं, ये आपको मैं फ्रेम थोड़ा सा दिखाता चलूँ, ये जो पीछे मेरे दिख रहे हैं ये वाला फ्रेम, ये आपको यहाँ से बड़े से बड़ा दिखेंगे ये फ्रेम, और इधर जो फ्रेम पीछे आपको मैं दिखा रहा हूँ। अली भाई, इसकी कॉस्ट बताएं थोड़ी सी, ये क्या कितने का पड़ा? अली भाई, ये फ्रेमों पर तकरीबन 35,000 मेरे ख्याल से इन फ्रेम पर खर्चा आ गया। अच्छा, मतलब कि मटेरियल प्लस लेबर? जी, मटेरियल प्लस लेबर भी है, फिर इसको हमने कलर भी कराया, ये सब चीज़ें इंक्लूड करके तकरीबन जो है 35,000 का खर्चा इसमें आ गया। सही हो गया, 35 और 30 हो गए आपके 65। हाँ, और तकरीबन 20,000 रुपये जो है 85 हो गया। अच्छा, भालू मिट्टी का ट्रक आया था? भालू मिट्टी का ट्रक आया राहुल भाई, 11,000 रुपए का डंपर मंगवाया पूरा, तो उसमें से कुछ हमारे पास अंदर यूज हो गई है और बाकी बाहर पड़ी है, क्योंकि जब झाड़ू लगती है तो कुछ इसके साथ निकलता रहेगा। सही, और फिर दूसरी नई मिट्टी हम इसमें डालते रहे। सही, तो तकरीबन 85 प्लस 11 ही हो गया, 96,000। अच्छा, 96,000 का ये पड़ा है पूरा। अली भाई, थोड़ा सा कवर्ड कितना एरिया है जो ऊपर छपड़ा डला हुआ है? टोटल प्लॉट ही आपको मैं बता दूं, 120 गज का प्लॉट है और हाफ से ज़्यादा कवर्ड है तकरीबन। भी कितना 120 गज का प्लॉट है, आप ये देखें जो छपड़ा हमने डाला है ना, तो ये हमने इस तरह से डाला है कि आधे प्लॉट पे छपड़ा है और आधी साइड जो है वो खुली भी है। ठीक है, और छपरे का जो आपका रुख होना चाहिए वो मग़रिब और मशरिक होने चाहिए, यानी कि मेरी पिछली साइड पे जो है वो मशरिक होना है, चाहिए, और मेरे आगे जो मगरबी और छपड़ा मैंने ऐसे डाला हुआ है। मतलब आप ये समझ लें कि वेस्ट ओपन आपका छपड़ा होना चाहिए। हाँ, ताकि हवा जो वेस्ट से अंदर को आ सके, तो वो इसकी वजह क्या होती है, क्यों ये चूज कर रहे भाई? ये इसका सबसे बड़ा जो मसला, एक तो हवा और दूसरा सर्दियों का जब मौसम आएगा, सर्दियों में सूरज उस तरफ होता है, तो सर्दियों में धूप जो है वो आपके छपड़े के अंदर तक आएगी, जबकि गर्मियों में जो है सूरज जो है वो आपके छपड़े के अंदर नहीं आएगा, छपड़े के लिए छांव रहेगी। ठीक है, तो ये सारी आज की फार्म की जो कंप्लीट डिटेल वीडियो है, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें पता लगी होंगी। अली भाई, और हमारे लिए दुआ ज़रूर करेगा इस फार्म में कि हमारे लिए भाई से बरकत बने, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सर्विसेज देते रहें, चाहे वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस के थ्रू हो, या आपको पलाई के लिए या कुर्बानी के लिए या ब्रीडिंग सेटअप के लिए आपको जानवर चाहिए हो तो वो आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से इस टाइम भी काफ़ी जानवर मौजूद हैं, और पेज पे भी जो है काफ़ी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। पलाई सर्विस भी स्टार्ट हो गई है, तो जो लोग रब्ता करना चाहते हैं पलाई के लिए, लिमिटेड स्लॉट्स है, क्योंकि ये तकरीबन, अली भाई थोड़ा सा ये बताएं, तकरीबन कितने जानवरों की जगह है इस पूरे फार्म पे? रेलवे इसमें तकरीबन 30 जानवर टारगेट हमने बनाया है कि 30 जानवर जो है वो सही रहेंगे, उससे ज़्यादा अगर पालेंगे तो फिर सफाई के मसले आ जाएंगे, जगह गीली रहेगी, जानवर ज़्यादा होंगे, पेशाब वगैरह का मसला होगा, जगह नहीं सूखेगी, सही, फिर जानवर को केयर भी नहीं मिलेगी सही से। तो 30 जानवर जो हैं वो यहाँ सही हैं, 20 इस साइड पे आ जाएंगे और 10 छोटी साइड पे आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अली भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें?
बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जानवर आप लें, लोग लाखों रुपए के जानवर ले लेते हैं लेकिन जगह बनाने पर ख़र्चा नहीं करते। ये बहुत ज़रूरी है, पहले जानवर के लिए प्रॉपर आप सेटअप करें, उनकी रिहाइश का, उनके रहने का जो बंदोबस्त होना चाहिए, पूरी तरीके से गर्मी सर्दी का हिसाब पूरा होना चाहिए, उसके बाद फिर जानवर आप लें ताकि इंशाल्लाह फिर आपको परेशानी कम से कम होगी। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स गोट फार्म और नगरा फार्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।